रानू मंडल, वही जो कोलकाता रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाकर रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। रानू का गाना जिसने भी सुना उसके मुंह से यही निकला, काश को इन्हें फिल्म में गाने का मौका दे दे। सोशल मीडिया कैसे किसी आदमी की जिंदगी बदल देता है, इसका जीता जागता उदाहरण है रानू मंडल। अपनी आवाज़ से रानू ने इंटरनेट पर यूजर्स को अपना फैन बना दिया। रानू का गाना बॉलीवुड के सितारों तक पहुंचा, जिसके बाद हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया है। लेकिन हिमेश रेशमिया से पहले एक शख्स है जो रानू के लिए किसी फरिश्ते की तरह आया। इस शख्स ने रानू का वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। रानू पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर गाना गाकर ही गुजारा करती थी। उन्हें कईयों ने गाना गाते हुए देखा भी, लेकिन अक्सर लोग उन्हें अनदेखा कर देते थे। रानू अक्सर पुराने ही गाने गाया करती थी। उनके वायरल हुए वीडियो में वो लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गा रही हैं। ऐसे ही एक दिन रानू गाना गा रही थी, तभी वहाँ एतेंद्र चक्रवर्ती स्टेशन पर मौजूद थे और उन्होंने वीडियो बना लिया। एतेंद्र ने ये वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया। बस फिर तो जो हुआ सब जानते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद रानू से कई संगीतकार और प्रोड्यूसर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। साथ ही रानू को कई स्टेज शो करने के ऑफर भी मिलने लगे। खबर ये भी है कि उन्हें कोलकाता, मुंबई, केरला और बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में परफॉर्म करने के लिए भी ऑफर मिले थे। उन्हें खुद का म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करने का ऑफर भी मिला। यहाँ तक कि रानू को गाना गाने का ऑफर देने वाले आयोजकों ने उनका मेकओवर भी कराया। हाल ही के वीडियो में देखने को मिल रहा है कि रानू हिमेश रेशमिया के साथ अपना गाना रिकॉर्ड कर रही हैं। रानू जब हिमेश रेशमिया के लिए गाना रिकॉर्ड कर रही थी तो उस वक्त एतेंद्र भी स्टूडियो में ही थे। एतेंद्र को खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके एक वीडियो ने कैसे एक महिला की जिंदगी बदल दी। रानू को मौका देने के लिए एतेंद्र ने हिमेश रेशमिया को शुक्रिया कहा। वीडियो के बाद एतेंद्र लगातार रानू के संपर्क में हैं। एतेंद्र पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और रानाघाट में ही रहते हैं। हिमेश रेशमिया की अगली फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर है। इसमें रानू मंडल ने तेरी मेरी कहानी नाम का गाना गाया है। हिमेश रेशमिया ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रानू स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही हैं। उनके पास हिमेश खुद खड़े हैं और गाइड कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद रानू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। रानू की इस नई जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद रानू को अपनी 10 साल से बिछड़ी बेटी मिल गई। रानू की बेटी ने घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस पर रानू ने कहा कि ये मेरा दूसरा जन्म है और मैं इसे बेहतर बनाने की हर तरह से कोशिश करूंगी। रानू के पति का निधन हो चुका है और वो स्टेशन पर गाना गाकर ही अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन अब रानू की जिंदगी बदल गई है। अमर उजाला.com